तो देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है। आपको लग रहा होगा एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे साफ कर रहा है, अब बताऊंगा। अगर आप भी अपनी कार में फास्टैग यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कार में बैठे दो लोग फास्टैग स्कैम को लेकर कुछ बातें बता रहे हैं। वीडियो में देखा जा रहा है कि पहले एक बच्चा कार की स्क्रीन साफ करता है, तभी ड्राइवर अपने साथी को बताता है कि कैसे बच्चे ने अपनी घड़ी में लगे स्कैनर का इस्तेमाल करके उसके फास्टैग अकाउंट से पैसे उड़ा लिए। लेकिन क्या ये दावा सही है? क्या इस तरह से कोई भी आपके फास्टैग से पैसे उड़ा सकता है? इस वीडियो में हम इस दावे की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि दावा करने वाला सच कह रहा है या फिर झूठ। तो आइए शुरू करते हैं। वो आया इधर, दो कपड़े मारे और सीधा फास्टैग पे आ गया, ऊपर चढ़ गया था। हाँ, ऊपर चढ़ गया। और तूने देखा, पहले वो सीधे हाथ से कर रहा था और जब फास्टैग पे आया ना तो उसने उल्टे हाथ से ऐसे करा। अच्छा, उल्टे हाथ से वो क्या करा, तो अब मैं समझाता हूँ कहानी क्या हुई है। लोग भी सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या, मतलब क्या ही था, वो आया ऐसे, हम फिर उसने घड़ी की पूछी हमने, वो भाग गया। तो ये ना अभी नया स्कैम शुरू हुआ है। ये लोग क्या करते हैं इसे भी नहीं पता। ये लोग क्या करते हैं कि आते हैं, इन्होंने उनके जो गाड़ी साफ करते हैं रेड लाइट पे, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भीख मांगने वाले, कुछ बंदों ने उनके हाथ में, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं इन बच्चों को पता होगी, उनके हाथ में घड़ी दे रखी है। क्या दावा किया जा रहा है? वीडियो के साथ शेयर हो रहा कैप्शन है, अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग है तो ये वीडियो जरूर देखें। फास्टैग का टैग आमतौर पर गाड़ी के आगे लगा होता है, जिसके जरिए आपका टोल या फिर पार्किंग फीस का भुगतान ऑनलाइन हो जाता है। ये अकाउंट से लिंक होता है, जिससे जो ड्राइवर है उसको टोल की लाइन में पैसे नहीं चुकाने पड़ते और टोल की लाइन से भी वो बच जाता है। ज्यादातर गाड़ी वाले फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि जो लोग भी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो फास्टैग का यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं उनके साथ भी ये धोखाधड़ी ना हो जाए, कोई उनके पैसे इस तरह से उनके जो फास्टैग का वॉलेट है उससे ना उड़ा ले। इस वीडियो पर करीब 23 मिलियन व्यूज थे, लेकिन अब इस वीडियो को फेसबुक से हटा लिया गया है। फेसबुक और ट्विटर पर कई अन्य यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर किया है और ऐसे ही दावे किए हैं। मुझे खुद हमारे जाने वाले लोगों ने यह वीडियो भेजा और उन्होंने कहा कि आप भी ध्यान रखें कि कहीं आपकी गाड़ी से इस तरह से पैसे चोरी ना हो जाएं। इसीलिए मुझे लगा कि हमें इसे पड़ताल करनी चाहिए, इस वीडियो की, इस दावे की, क्या सच में ऐसा हो सकता है। पड़ताल में हमने क्या पाया? हमने गूगल पर फास्टैग स्कैम को जब सर्च किया तो पेटीएम और NPCI के सोशल मीडिया पोस्ट मिले और इन पोस्ट में वीडियो में किए जा रहे दावों को फेक बताया गया है। NPCI के सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि फास्टैग पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M मॉडल पर काम करता है, कोई अन्य शख्स इसके जरिए आपके खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। यानी फास्टैग से जब आप किसी को पैसा दें तो वो कोई पेटीएम की तरह वॉलेट नहीं है कि आपने स्कैन किया और कहीं पे भी आपने भुगतान कर दिया, वो सिर्फ उसी एजेंसी को जा सकता है जिससे उसको अनुमति है, जिसको जो फास्टैग देने वाली कंपनी है उसने उसको स्वीकार किया है कि कहाँ वो टोल जा सकता है, पैसा कट सकता है। तो ये P2M मॉडल इसको कहते हैं, यानी कि पर्सन टू मर्चेंट, जो सेवा देने वाला व्यक्ति है उसको पैसे जा सकते हैं। और आप देखते हैं कि जब आप टोल टैक्स के लिए गाड़ी पे आप किसी ऐसे रोड पे जाते हैं जहां टोल टैक्स चुकाया जाता है तो फास्टैग से पैसा कट जाता है, लेकिन बीच में कोई स्कैन करके उससे पैसा नहीं ले सकता। NPCI के बयान में यह भी बताया गया है कि केवल वही डीलर फास्टैग के जरिए पैसे ले सकते हैं जो व्हाइट लिस्टेड हैं, यानी कि जिनको उन्होंने अनुमति दी है। इसके अलावा केवल उसी IP एड्रेस और URL से पैसा निकाल सकते हैं जिसे अनुमति मिली हुई है। यानी ये एक तरीके का सिक्योर पेमेंट गेटवे है और इसमें बाहर से कोई व्यक्ति स्कैन करके या कुछ भी छेड़छाड़ करके उस तरह से पैसे नहीं निकाल सकता। तो जो दावा है वो झूठा है। इसके अलावा हमने पेटीएम पर जो उन्होंने बयान दिया है उस पर भी नजर डाली तो हमें पता चला कि पेटीएम ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा है कि पेटीएम फास्टैग को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि स्मार्ट वॉच से फास्टैग को स्कैन किया गया। NETC गाइडलाइन के मुताबिक फास्टैग के जरिए सिर्फ अधिकृत व्यापारियों को ही पेमेंट किया जा सकता है। इन व्यापारियों को कई चरणों की टेस्टिंग के बाद अधिकृत किया जाता है। पेटीएम फास्टैग पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा हमें NETC गाइडलाइंस में भी यही जानकारी मिली जो पेटीएम के ट्वीट में बताई गई है।
और वीडियो में जो कई तरह के दावे किए जा रहे हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक फास्टैग से पैसे नहीं निकाल सकता जब तक वो अधिकृत न हो, यानी फास्टैग की टोल टैक्स पर जो टोल प्लाजा है वहाँ खास तरह के कोड और आईडी के जरिए ही कनेक्ट किया जाता है और इस कोड और आईडी को एनपीसीआई वेरीफाई करता है, यानी कोई और व्यक्ति उससे पैसे नहीं निकाल सकता। यानी अगर किसी के हाथ टोल प्लाजा का स्कैनर लग भी जाता है तभी पैसा उसके पास नहीं जाएगा, अधिकृत मर्चेंट यानी टोल प्लाजा के पास ही जाएगा जो अकाउंट में लिंक है उसके। इसके अलावा अगर ऐसा संभव होता तो रोजाना पार्किंग में या फिर टोल प्लाजा पर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की खबरें आती, क्योंकि आपकी जो कार है वो आप कहीं ना कहीं पार्क करते हैं, कहीं पे भी सड़क पर छोड़ देते हैं, कहीं पे भी वो खड़ी होती है तो कोई भी आएगा उसको स्कैन करेगा और उसका पैसा उठा के आप चोरी करके ले जाएगा। तो अगर ऐसा मुमकिन होता स्मार्ट वॉच के जरिए तो मुझे लगता है देश दुनिया की तमाम जो जितनी भी कारें हैं सबके सामने से वो स्मार्ट वॉच ऐसे ही घूमती और वो सारा पैसा किसी के अकाउंट में चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो वीडियो में दिख रहे लोगों ने जब हमने उनको देखा कि वो कौन है तो उसके स्क्रीनशॉट को हमने गूगल पर रिवर्स सर्च किया तो हमें पता चला कि वीडियो में जो फास्टैग को लेकर गलत दावे कर रहा है वो व्यक्ति एक यूट्यूबर है और बीबी प्रैंक नाम से उसका यूट्यूब चैनल है और वो काफ़ी जब हमने उसको देखा तो वो नियमित तौर पर स्क्रिप्टेड वीडियोज़ पोस्ट करता है, यानी ऐसे वीडियोज़ जिसे जानबूझ कर बनाया जाता है। लेकिन इस बार उसकी चोरी पकड़ी गई, फास्टैग पेमेंट्स को लेके जो उसने दावा किया वो झूठा साबित हुआ और फास्टैग पेमेंट्स को मैनेज करने वाले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCL, डिजिटल प्लेटफॉर्म पेटीएम और एथिकल हैकर्स ने भी वायरल वीडियो में किए जा रहे दावे को फेक बताया है। यानी हमारी पड़ताल में फास्टैग से घड़ी के जरिए ऑनलाइन पैसे उड़ा लेने का दावा फर्जी साबित हुआ। हमारी आपसे अपील है कि इंटरनेट की दुनिया में दिखने वाली हर चीज पर भरोसा मत करें, कई बार हकीकत वो नहीं होती जो आपको दिखाई जाती है, इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और ऐसी खबरों की पड़ताल के लिए देखते रहें द न्यूज़ वीक। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, गुड बाय।